हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, हम सोचते हैं शेयर मार्केट बड़ा इजी है, क्यों? क्योंकि यूट्यूब क्या दिखा रहा है आपको, गाड़ी चल रही है पैसा डबल हो रहा है ना, लोगों को खाना खिला रहे हैं पैसा डबल हो रहा है। अगर इतना आसान होता तो दुनिया के सारे लोग ऐसा करते। तो और शेयर मार्केट में पैसा कमाना आसान है, कब आसान है, जब आप एक मेच्योरिटी फेज पर पहुंच जाते हो, यहां पहुंचना डिफिकल्ट है। ये जो लर्निंग फेज है ना, दिस इज डिफिकल्ट, इसके बाद इट इज इजी। इतना इजी भी नहीं है कि गाड़ी चल रही है और पैसा डबल हो रहा है, ठीक है, वो सब बकवास की बात है। वो पैसा डबल कब होता है, एक अकाउंट में कॉल ले लो, एक में पुट ले लो, एक में तो होगा डबल, वो दिखा दो सोशल मीडिया पे। हाँ, जब हम करते हैं तो हाँ हमको पता होता है, हमारी प्रेडिक्शन सही होने लग जाते हैं, हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। विद रिस्क मैनेजमेंट हम स्टार्ट करते हैं अर्न कर, ठीक है। तो एक लर्निंग फेज हर काम में होता है। अगर आपको मैकेनिक भी बनना है ना, तो उस्ताद के पास जाके सीखना पड़ेगा कुछ टाइम। वो ऐसा तो नहीं है पहले दिन जाते ही आगे एक महीने में सिखा के तेरे को पाना दे दिया, ले इंजन खोल, होता है क्या? बट शेयर मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि डे वन पे जिस दिन कोर्स ज्वाइन किया ना, अभी आएंगे बच्चे कुछ मेरे पास है ना, जिस दिन होता है कोर्स उसी दिन तब क्या ले लें शेयर, एबीसीडी सीख तो लो, फिर ले लेंगे शेयर, कहीं जा रहे हैं, यहीं रहना मार्केट, पिछले इतने सालों से भी यहीं था, कुछ होने वाला है नहीं। हमको समझ आ जाएगी तो क्या ले लें, वो हम खुद सीखें। एक मेरा पॉइंट इतना सा है कि मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, जिससे आप, मैं नहीं भी हूं, हमारा सपोर्ट नहीं है तो भी यू कैन अर्न। और ऐसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बिजनेसेस हैं, जो बिजनेस रन कर रहे हैं, साथ में साइड हसल ये करते हैं, ठीक है। उन्होंने लगभग 1 साल, लेकिन उन्होंने 1 साल पूरा मेरे साथ टाइम बिताया, उसके बाद उन्होंने वो छोड़ा। तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जॉब छोड़ी है अपनी, बट दे हैव गिवन टाइम। तो ये जल्दीबाजी मत करना, मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है। इसीलिए अपना भी बता रहा हूं कि टाइम लगता है चीजों को सीखने में, 6 साल नहीं 6 महीने देने की सोचना, कि 6 महीने मैं डेडिकेशन के साथ दूंगा, ये श्योरिटी कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा मैं, ठीक है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मतलब होता है कि मंथ एंड में हमारा हरे में बंद होना चाहिए मार्केट। ऐसा नहीं आज 1 लाख रुपए कमा लिए, कल 2 लाख नुकसान करवा दिया, वो बकवासबाजी है, ठीक है। महीने के एंड में अगर आपने आपकी कैपिटल का 10% रिटर्न निकाल लिया है, उससे ज्यादा अच्छा कोई बिजनेस रिटर्न नहीं देता आपको, ठीक है। कोई दुनिया में, आप जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी देखोगे, 2-2.5-3% पे काम करती है मंथ की, ठीक है, और वो बहुत बड़े बिजनेसेस हैं। तो अगर आप अपनी कैपिटल का 10%, 8%, किसी के महीने में 16% रिटर्न, 15% रिटर्न निकालोगे ना, दैट इज वेरी बिग। साल के एंड में देखते हो ना, तो आपकी कैपिटल डबल से ज्यादा होगा। तो सेंसिबल ट्रेडिंग करेंगे हम, सिस्टमेटिक वे से सीखेंगे, हर चीज को सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे,